आमतौर पर कोई भी एनाइम का सीरीज खत्म होता है तो फिर जो है ना अदर लैंग्वेज में डब किया जाता है, लेकिन सोलो लेवलिंग वो पहला एनाइम है जिसके कि सीरीज खत्म होने से पहले ही, मतलब पहले एपिसोड से ही उसका अदर लैंग्वेज में डब चल रहा है। हालांकि करण कैरोल जबरदस्त एनाइम का ऐप है, उसने खुद क्लेम कर दिया कि ये जो वन पीस गियर एपिसोड था उससे भी जो है ना ये ब्रेकआउट हो चुका है सोलो लेवलिंग का पहला एपिसोड। और सोलो लेवलिंग का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है संग जिन वो, उसके पास जो है ना शेडो मोनराज का ताकत कैसे आता है उसके बारे में हम आज जो है ना कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा जो है ना हम पांच सीक्रेट जानने वाले हैं जो आपको शायद ही पता हो सोलो लेवलिंग के बारे में। सीक्रेट नंबर वन, द ट्रुथ अबाउट द गेट्स। मैं किन गेट्स की बात कर रहा हूँ आपको पता होगा, अगर जो आपने फर्स्ट एपिसोड भी सोलो लेवलिंग का देखा तो ये गेट्स वो है जो पोर्टल होते हैं जहाँ से जो है ना मॉन्स्टर्स शेडो वगैरह जो है ना आते हैं इस वर्ल्ड में। अब एनाइम में जो है ना स्टार्टिंग में तो इतना नहीं दिखाया गया है कि जो है ना गेट्स कैसे शुरू हुए और कहाँ से जो है ना ये आना शुरू हुए थे, लेकिन ये एक सीक्रेट है। हालांकि इसको कहा जाता है कि ये जो शेडो मोनराज है इससे जो है ना ये कनेक्टेड है। सीक्रेट नंबर टू में हम बात करने वाले हैं ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड आपको जो है ना ज्यादातर एनाइम में एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको बताऊँ की ये जो है ना शेडो मोनराज का सिंबल है। अब ये कहना गलत होगा की ब्लैक हार्ट जो है ना सिर्फ शेडो मोनराज के पास है, क्योंकि ये जो है ना पावरफुल इविल्स है जो आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाए जाएंगे उनमें भी जो है ना ये सिंबल देखा गया है। सीक्रेट नंबर थ्री में मैं आपको बताऊंगा कि इसने किस तरह कोरियन हिस्ट्री को ही जो है ना ब्रेकआउट कर दिया सिर्फ एक हफ्ते में। इसका जो है ना नोवेल रिलीज हुआ था लेवलिंग लाइट का, सोलो लेवलिंग लाइट उसका नेम था जो है ना नोवेल का, उसके जो है ना 1 मिलियन कॉपीज बिक गए सिर्फ एक हफ्ते में। अगर जो आप रिसर्च करके कोरियन हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको ऐसा कोई भी नॉवल नहीं मिलेगा जिसने एक हफ्ते में ही जो है ना 1 मिलियन कॉपी सेल कर दी। सबसे आखिर वाला सीक्रेट, सीक्रेट नंबर फाइव, जो आपको जरूर सुनना चाहिए कि इसने जो है ना वन पीस गियर एपिसोड का कैसे जो है ना रिकॉर्ड ब्रेक किया था, करण कैरोल ने खुद क्लेम कर दिया। तो इस सीक्रेट को सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अगर जो इस तरह के कंटेंट आपको पसंद आते हैं। अगर जो आप एनआईएम के पक्के फैन हो तो आपको पता ही होगा कि करण कैरोल क्या है। करण कैरोल वो ऐप है जहाँ पर जो है ना एनआईएम तकरीबन सारे पाए जाते हैं, और करण कैरोल जो है ना पेड ऐप होता है, उसका सब्सक्रिप्शन आपको करना पड़ता है, फिर जो है ना आप कोई भी एनआईएम वहाँ पर देख सकते हैं। तो इस करण कैरोल ने अपने वेबसाइट पर क्लेम कर दिया कि हमारे जो है ना वन पीस गियर एपिसोड पर आए थे 1,02,000 लाइक्स। हालांकि इसके जो है ना पहले एपिसोड पर ही सोलो लेवलिंग के आए थे 1,26,000 लाइक। तो सोलो लेवलिंग ने आके ही जो है ना वन पीस के गेयर एपिसोड को नीचे गिरा कर खुद को जो है ना ऊपर कर दिया इस पूरे नेटवर्क में। तो यहाँ पर हम अपने वीडियो को कर देते हैं खत्म। अगर जो आपके जहन में कोई भी सवाल आ रहा है एनआईएम के बारे में तो आप जो है ना बिना झिझक कमेंट कर सकते हैं।